बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के एडमिशन स्प्रिंग 2024 के रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में एडमिशन स्प्रिंग 2024 जो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम एडमिशन जॉब्स और स्कॉलरशिप की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो हैं वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में एडमिशन स्प्रिंग 2024 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 फरवरी 2024 है। एडमिशन्स की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली बीएस फिफ्थ सेमेस्टर प्रोग्राम और एमफिल प्रोग्राम्स जो है इनमें ओपन है। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी, बीबीए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, उर्दू और जूलॉजी प्रोग्राम में ओपन है। जबकि एमफिल प्रोग्राम्स में सिर्फ एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो है इसमें एडमिशन्स जो है वो ओपन है। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है एडमिशन्स का, अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन अप्लाई, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली का जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने अकाउंट जो है एडमिशन पोर्टल पर वो क्रिएट करना है। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है साइन अप का, साइन अप के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट जो है अपने वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने सीएनआईसी नंबर जो है अपना वो विदाउट डैशेज इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे, इसके बाद पासवर्ड आपने इंटर करना है, पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे और साइन अप के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे। अकाउंट लॉगिन करने के बाद साइट पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है क्लिक हियर का, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले अपने प्रोग्राम जो है अपना वो सेलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिफ्थ सेमेस्टर जो है आपने इसे सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम जो है आपने वो सेलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इसके बाद टाइप ऑफ सीट जो है आपने वो सेलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोफाइल पिक्चर जो है आपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद आपने फुल नेम जो है अपना वो इंटर करना है, नेशनलिटी आपने इंटर करनी है। इसके बाद जेंडर जो है आपने वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेल फोन नंबर जो है आपने वो इंटर करना है। इसके बाद आपने रिलीजन जो अपना वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपने वो इंटर करनी है, सबसे पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो आपने बर्थ सिटी का नेम जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो आपने वो इंटर करना है, डोमिसाइल प्रोविंस का नेम आपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का नेम जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का सीएनआईसी नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का सेल फोन नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने गार्डियन का नेम जो है वो इंटर करेंगे, इनकेस आपके फादर की डेथ हो गया तो अपने गार्डियन का नेम जो है वो इंटर करना है, अदरवाइज इस ऑप्शन को जो है वो आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद अपने फादर की एनुअल इनकम जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले प्रोग्राम जो आपने वो सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो आपने वो इंटर करनी है, मैट्रिक जो है इसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक अपनी कंप्लीट की है, उस बोर्ड का नेम जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो आपने वो इंटर करना है, मैट्रिक का पासिंग ईयर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, टेन मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद आपने डिवीजन जो है अपनी वो सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सेशन जो है आपने वो सेलेक्ट करना है, एनुअल सेशन में एग्जाम्स क्लियर किए हैं या सप्लीमेंट्री सेशन में आपने ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है आपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद इसी तरह अपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो है आपने वो इंटर करनी है। सबसे पहले एग्जामिनेशन जो है आपने वो सेलेक्ट करना है, एफ एस सी की है, एफ ए की है या डिप्लोमा की है आपने ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बोर्ड का नेम जो है आपने वो इंटर करना है, रोल नंबर इंटर करेंगे, पासिंग ईयर जो है एफ एस सी का आपने वो इंटर करना है। इसके बाद एफ एस सी के टोटल मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं, टेन मार्क्स जो आपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद डिवीजन जो आपने वो सेलेक्ट करनी है। इसके बाद इसी तरह एग्जाम सेशन जो आपने वो सेलेक्ट करना है, एनुअल एग्जाम्स में क्लियर किया एफ एस सी या सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में आपने ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद एफ एस सी का रिजल्ट कार्ड जो है आपने उसकी पिक्चर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने बैचलर क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन जो आपने वो इंटर करनी है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है या बी ए बी एस सी किया हुआ है आपने ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी एसोसिएट डिग्री जो है वो कंप्लीट की है उस यूनिवर्सिटी का नेम जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद रोल नंबर जो आपने वो इंटर करना है, पासिंग ईयर जो आपने वो इंटर करना है, टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स जो आपने वो इंटर करना है, डिवीजन जो आपने वो सेलेक्ट करनी है, एग्जाम सेशन जो अपना वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद पिक्चर जो आपने रिजल्ट कार्ड की वो अपलोड करेंगे और रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है डाउनलोड चलान का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इधर आपने सीएनआईसी नंबर जो अपना वो विदाउट डैशेज इंटर करना है और गेट चलान के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है डाउनलोड का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो कि बेसिकली 500 रुपीज का है, जो कि आप किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ऑनलाइन ब्रांच में जो है सबमिट करवा सकते हैं। फीस जो है वो सबमिट करवाने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है अपलोड चलान फॉर्म का, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इधर आपने सीएनआईसी नंबर जो अपना वो विदाउट डैशेज इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इधर आपने चलान नंबर जो अपना वो इंटर करना है और पेड चलान की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है और सबमिट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे।
इसके बाद इधर आपका ऑप्शन शो हो रहा है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद CNIC नंबर जो आपने वो विदाउट डैशेज एंटर करना है और गेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है डाउनलोड का, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा, जिसे आपने डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करने के बाद अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है आपने वो अटैच करके इसे TCS करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली को, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल।